हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत, तो आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 117 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज के बच्चों हमारा टॉपिक होगा टॉटोमेरिज्म। चला व्यापता टैटोमेरिज्म, टैटोमेरिज्म ठीक है, चला व्यापता लिखेंगे। यह है एक प्रकार की फंक्शनल, यह एक प्रकार की फंक्शनल ग्रुप, यह एक प्रकार की, यह एक विशेष प्रकार की, यहां विशेष और लिख दो, यह एक विशेष प्रकार, यह एक विशेष प्रकार की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, या आइसोमेरिज्म ही होती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही होती है, लेकिन स्पेशल होती है, ठीक है, जिसमें एक ही यौगिक, जिसमें जिसमें एक ही यौगिक, जिसमें बेटा एक ही यौगिक दो समावयवी, दो समावयवी, दो समावयवी यौगिक प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक ही यौगिक क्या करता है, दो समावयवी यौगिक प्रदर्शित करता है, जो सदैव एक दूसरे के, जो सदैव, जो सदैव एक दूसरे के, जो सदैव एक दूसरे के साम्यावस्था, एक दूसरे के साम्यावस्था में रहते हैं, मतलब जो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है, साम्यावस्था में रहते हैं, टैटोमेरिज्म एक पॉलीवेलेंट, टैटोमेरिज्म एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट, एक पॉलीवेलेंट मॉलिक्यूल लिखेंगे, मॉलिक्यूल से दूसरे पॉलीवेलेंट मॉलिक्यूल, दूसरे पॉलीवेलेंट मॉलिक्यूल पर प्रोटॉन्स के ट्रांसफर के कारण होती है, ठीक है, ट्रांसफर के कारण होती है, जिससे बॉन्ड का ट्रांसफर भी हो जाता है, जिससे बॉन्ड का ट्रांसफर
वी हो, जिससे बॉन्ड का ट्रांसफर भी हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड का ट्रांसफर भी हो जाता है। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं बेटा, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, एसीटो एसीटो एसीटिक एस्टर, एसीटिक एस्टर, एसीटो एसीटिक एस्टर की दो टेटोमेरिक फॉर्म, टेटोमेरिक फॉर्म, टेटोमेरिक फॉर्म इस प्रकार है, पहली है कीटो फॉर्म, दूसरी है इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। देखिए आप CH3CO CO CH2, CH2COO C2H5, ठीक। अब क्या होता है बेटा, ये प्रोटॉन ले लेता है, ठीक, और ये यहां पर, ठीक। तो देखो ये साम्य अवस्था में रहता है, एक फॉर्म हो गई ये, दूसरी है CH3COH, ठीक, यहां डबल बॉन्ड, CH CO O C2H5, यहां पर ये है ग्रुप कीटो, कौन सा कीटो, तो इसे कह दिया हमने कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। यहां पर ये है इन और ये है ऑल, OH एल्कोहल है तो ऑल कहते हैं, इन ऑल, तो ये है इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म, और ये एक दूसरे में साम्य अवस्था में, कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म में पाया जाता है, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, कुछ गुण ये दर्शाता है और कुछ गुण ये, अकेला एसिटो एसिटिक एस्टर का कोई गुण भी दर्शा नहीं सकता, ठीक है। तो ये है दो फॉर्म, दिख गई बेटा, दोनों फॉर्म है ये, कीटो ओनो, कीटो और इनोल। ये थे आपके टेटोमेरिज, टेटोमेरिज में मतलब हमने क्या बताया था, ये एक प्रकार की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज भी है, यहां पे कीटो ग्रुप है, यहां पे एल्कोहल ग्रुप आ गया और इन ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, एक ही मोल, एक ही कंपाउंड, एक कंपाउंड है एसिटो एसिटिक एस्टर, ये दो फॉर्म में रह सकता है, ठीक है, दो फॉर्म में। अब ये इसमें एक पॉलीवेलेंट
मॉलिक्यूल से दूसरे पॉलीवेलेंट मॉलिक्यूल में एटम्स का ट्रांसफर हो सकता है, बॉन्ड का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहां देखिए प्रोटॉन इसने ले लिया, यहां पर ये बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो गए, तो एक प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये है कीटो इनॉल दो फॉर्म का है कि एसीटो एसिटिक एस्टर, अर्थात ये था आपका मेटा मैरिज, सॉरी टेटो मैरिज, मेटा मैरिज तो मध्य होता है, टेटो मैरिज मतलब चला व्यवता, ये चला माए चलाए मान है, ये इसमें चलकर इसमें, इसमें से चलकर इसमें, दोनों 50-50 भी बन सकते हैं, कम ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। आगे देखते हैं बेटा, अब पढ़ाएंगे हम, हमने पांचों प्रकार की आइसोमेरिज में आपको पढ़ा दी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में, पहली थी चेन आइसोमेरिज, दूसरी थी पोजीशन आइसोमेरिज, तीसरी थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, चौथी थी मेटा मैरिज और पांचवी थी आपकी टेटो मैरिज। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, चेन आइसोमेरिज में मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन कार्बन चेन डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब कार्बन चेन में अंतर आता है, वो चेन आइसोमेरिज शो करेंगे या चेन आइसोमर के लाएंगे। अब पोजीशन मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जो भी लगाओ वो तो समान होते हैं लेकिन पोजीशन क्या होती है अलग अलग होती है, वो कहलाते थे पोजीशन आइसोमर्स। आगे थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता था। चौथे आते थे आपके मेटामेरिज मतलब मध्यव्यवता, मध्यव्यवता मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता था, किधर कम कार्बन, इधर कम कार्बन है इसमें और इधर ज्यादा है, तो दूसरे में इधर ज्यादा होंगे इधर कम हो सकते हैं। ठीक है, ये था अगला था मेटामेरिज, मेटामेरिज हमने अभी सॉरी टेटोमेरिज, टेटोमेरिज मतलब ये एक ही यौगिक दर्शाता है, मतलब विशेष प्रकार की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज है, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होंगे लेकिन ये किसी एक ही मॉलिक्यूल या एक ही कंपाउंड की दो फॉर्म होती है जो एक दूसरे के सदैव साम्य में रहती है, जैसे कि एसिटो एसिटिक एस्टर दो फॉर्म में अर्थात कीटो तथा इनोल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।